आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है तो बहुत आसान तरीके से आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। और वीडियो पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का निशान दबाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपका गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स, जो भी लैपटॉप है, पीसी है, मोबाइल है, तीनों पे वो सेम प्रक्रिया है। तीनों में एक ही प्रक्रिया मतलब है। आप अपने मोबाइल से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो अपने क्रोम को इस तरह खोलने के बाद आपको तीन डॉट साइड में लिखा हुआ होगा, वहां से जाकर डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लें। उसके बाद चलिए फेसबुक ओपन करते हैं। तो जैसे कि फेसबुक अपना ओपन कर लेना है, आप ऐसे अपना गूगल क्रोम से काम करें, ठीक ना। ऐप हम नहीं बता रहे हैं अभी। तो गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको facebook.com पे लिख के इसे सर्च कर देना है, ठीक ना। और सर्च करने के बाद इनमें से बहुत सारे सेटिंग आपको मिल जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें कुछ जितना भी आप पोस्ट किए हैं, जो भी मैसेजेस है, फोटो है, डिलीट है, मतलब तो जो भी फोटो वीडियो जो भी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बैकअप रखना है तो भी आप पूरा फोटो तो जो भी है आप डाउनलोड करके बैकअप रख सकते हैं। चाहे कोई भी वीडियो हो या कुछ भी हो, तो उसे आराम से आप सब कुछ सेव कर लें अपने ड्राइव में, अपने मोबाइल में, मेमोरी कार्ड में, कहीं भी आपको अगर रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, पीसी में, जो भी है आपका मोबाइल में, तीनों में किसी में डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फोटो को। या पर पूरा ऐसा फोटो है जो आप पोस्ट किए हैं, वो फोटो दोबारा आपका आने वाला नहीं है, तो ये सब फोटो इमरजेंसी जो भी मतलब कोई काम का फोटो है तो उसे आप डाउनलोड कर रख सकते हैं। और उसके बाद जितना भी आपको लग रहा है कि नहीं, पूरा अकाउंट को ही साफ कर देना है, कोई उनको मतलब नहीं है अकाउंट से, तो कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, आपको पूरा फेसबुक इस तरह खुलने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऊपर कोने पे देखिए, यहाँ पे इस तरह अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इसे अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। और जैसे ही सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा करते हैं, चलिए सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि जनरल, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, उसके बाद टाइमलाइन एंड टैगिंग, ठीक है ना। तो आपको योर फेसबुक इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। उनके बाद देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। योर फेसबुक इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ कि एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, फोटो है, जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जैसे ही पूरा पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका एक एक सेटिंग सब कुछ अलग अलग है। तो जैसे नीचे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सेस योर इंफॉर्मेशन इसे लिखा हुआ आएगा, ट्रांसफर योर कॉपी और फोटो एंड वीडियो, उसके बाद डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी लॉग, उसके बाद ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, और देखिए मैनेज योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जैसे हल्का स्क्रॉल करते हैं तो डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो यहाँ पे देखिए व्यू लिखा हुआ है, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ लिखा हुआ ऊपर में देखिए डिले डीएक्टिवेटिंग योर डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक डीएक्टिवेट योर अकाउंट और दूसरा जो लिखा हुआ है परमानेंटली डिलीट अकाउंट। तो आपको डिलीट डीएक्टिव करना है, अगर एक्टिव है डीएक्टिव करना है तो डिसेबल कर सकते हैं अपने अकाउंट को। अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो नीचे पे जैसे लाके और उस पर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से बता देते हैं, जैसे कि आपको पहले यहाँ पे इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे और प्राइवेसी सेटिंग जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने के बाद अब जो सेटिंग का ऑप्शन दिया गया था सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे देखिए जिस तरह आएंगे, यहाँ देखिए बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पे योर फेसबुक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा इस तरह। और भी इस तरह देखिए यहाँ पे इस तरह करेंगे और सेटिंग में प्राइवेसी क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जनरल, सिक्योरिटी, लॉगिन एंड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। और इस पे क्लिक करने के बाद इस नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो डीएक्टिव ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है।
तो देखिए, सॉरी, तो यहाँ बैक करते हैं। तो आपको बस वही करना है, और जैसे देखिए फिर से दिखाते हैं सेटिंग, जैसे सेटिंग क्लिक करेंगे और खुल रहा है, ठीक ना, फाड़ रहा ही नहीं। उसका देखिए योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन बाएं तरफ देखिएगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। देखिए आप यहाँ पे डीएक्टिवेशन डिलीटेशन, तो इस पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे इस तरफ, और यहाँ से दोनों का जो ऑप्शन आपको चुनना है, अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो परमानेंटली कर नीचे जो टिक है उस पर टिक मार के कंटिन्यू एक्टिवेशन कर दें। जैसे तो ओके करेंगे तो पूरा डिलीट आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अकाउंट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको कैसे परमानेंटली अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं बहुत बहुत आसान तरीके से। और चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का निशान दबाइए, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।